लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। आप अंडा का दाम देख ले, आप आटा का दाम देख ले, दूध का दाम देख ले, हर वस्तु पे जो कंट्रोल इस सरकार का रहा है वो अतुल्य रहा है और अकल्पनीय रहा है। आपके समय ये बिल्कुल नहीं हो पाया। तो आज गरीब की थाली आंकड़ों से नहीं साथियों, आंकड़ों से नहीं, आज वो गरीब की थाली जो है वो वस्तुओं से भरी है। ये वीडियो सुना आपने, ये वीडियो है संसद का, जहां केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, निर्मला सीतारमण। बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है। चलिए आपके हिसाब से, आप लोग अमीर लोग हैं, 1000 का सिलेंडर हो जाए, 5000 का कुछ भी हो जाए, ना बढ़ी हो, लेकिन एक तो सांसद ने संसद पटल पर झूठ बोला कि किसी किसान ने सुसाइड ही नहीं किया है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। स्मृति ईरानी ने हाई कोर्ट में कह दिया, सबसे बड़ा झूठ बोला है कि मेरी बेटी का कंपनी से लेना देना नहीं है, मेरी बेटी शराब नहीं बेचती है, मेरी बेटी रेस्टोरेंट नहीं चलाती है। अब अखबारों ने इस खबर का बेपर्दा कर दिया है, लेकिन वो बेपर्दा किया है अंग्रेजी के अखबारों ने। टीवी अखबार पर अभी भी चुप्पी है, मौन है। वो अभी भी बहस कर रहे हैं कि एक महिला ने जय शिव शंभू गाना गाया, मौलाना उसको ट्रीट कर रहे हैं। अरे सर, ये पहली बार है क्या कि कोई मुस्लिम गाना गा रहा है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टीवी अखबार जहां डिबेट कर रहा है कि मुस्लिम महिला ने गाना गाया, वही सबसे बड़ी खबर है जो आपको झकझोर के रख देगा। इस देश में अब मंत्री झूठ बोलने लगे हैं, इस देश के संसद में अब झूठ बोला जा रहा है। आप सोचिए, निशिकांत दुबे ने सरेआम कहा कि इस देश में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। सोचिए, निशिकांत दुबे ने सरेआम कहा कि इस देश में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की है। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, ये रणविजय सिंह ने ट्वीट किया है। 2018 में 5763 किसानों ने हत्या की, 2019 में 5957 किसानों ने आत्महत्या की, 2020 में 5579 किसानों ने आत्महत्या की, और किसान आंदोलन के दौरान 700 किसानों ने सुसाइड किया था। लेकिन ये एक ब्राह्मण सांसद को दिखाई नहीं देता है, जिसका बाप ने कभी हल नहीं चलाया होगा, जिसकी मां ने कभी गाय नहीं पाला होगा, जिसके घर में ये भी नहीं पता होगा कि गाय जब बच्चा देती है तो उसका पहला दूध का रंग क्या होता है। उसके घर में किसी ने बकरी नहीं पाला होगा, वो कभी खेत में नहीं गया होगा, कभी उसने मजदूरी नहीं की होगी, क्योंकि उसके पुरखे जाति के नाम पर पढ़ते लिखते आए हैं और आडंबर कर्मकांड से पैसा कमाते आए हैं। ये निशिकांत दुबे हैं। दूसरी तरफ, जिनके पिताजी विपक्ष के राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, यशवंत सिन्हा का बेटा साफ साफ कह रहा है कि महंगाई है ही नहीं। सोचिए, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। मैं महंगाई का भी डेटा दे दे रहा हूं जो राहुल गांधी ने दिया है। तो सोचिए, संसद में झूठ बोला जा रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है ये। स्मृति ईरानी हाईकोर्ट में झूठ बोल चुकी है और वो भी पर्दाफाश हो गया है, मैं बताऊंगा। सोचिए, राहुल गांधी ने कहा, ये दूसरे विंडो में ये ग्राफिक्स देखिए, पेट्रोल 2019 में 73, 2022 में 97, डीजल 66 रुपए, 2022 में 90 रुपए, एलपीजी 494 रुपए 2019 में, 2022 में 1053, नमक 18 अब 24, अरहर दाल 90 अब 110, सोयाबीन 92 अब 162, सरसों तेल 110 अब 175, चाय पहले 212 अब 282। ये है महंगाई का आंकड़ा। लेकिन दो सांसद, निशिकांत दुबे और जयंत सिन्हा, कह रहा है कि कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। चलिए मान लेते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, इस देश में सवर्ण समाज को सचमुच महंगाई नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उनके पुरखों के पास अकूत संपत्ति है, उनके पास बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, शहरों में जमीन है, बिजनेस है, तमाम तरह के अंडानी अंबानी माल्या संदेशरा जैसे उसी समाज के लोग हैं। लेकिन एक गरीब आदमी का क्या होगा, सोचिए। लेकिन दूसरी बड़ी खबर है स्मृति ईरानी से। सोचिए, स्मृति ईरानी की बेटी का एक रेस्टोरेंट पकड़ाया, पता चला कि उन्होंने एक मरे हुए आदमी के नाम पर लाइसेंस लेकर
दारू बेच रही है, लीकर बेच रही है गोवा में। उसके बाद स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का इस रेस्टोरेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज सारा कच्चा चिट्टा आ गया है सामने। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार ने लिखा है और इसको रोज लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। सबसे ज्यादा आज की वायरल खबर है, अजीत अंजुम ने इसको शेयर किया है। और सोचिए जब पत्रकार अपने पर आता है तो क्या करता है, किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है। खबर तो आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। स्मृति ईरानी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा सो कहा, एक्सप्रेस ने जो लिंक खोज निकाला उसे पढ़िए। गोवा बार नॉट ओन्ड बाय ईरानी डॉटर कमेंट्स सिलेंडर एससी। अब ये देखिए, ये जो गोवा बार है उसका जो जीएसटी नंबर है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ एटकोल, स्मृति ईरानी की एक कंपनी है जुवेन ईरानी, स्नेहल ईरानी, जोइस ईरानी और जौहर ईरानी। इस कंपनी का नाम है एटॉल फूड एंड बेवरेज एलएलपी। 25% कैपिटल उर्गवे एग्रो का है और 50% कैपिटल जो है वो उग्रया मर्सेंटाइल का है। इसमें शेयर होल्डर कौन कौन है सोचिए, जुवेन ईरानी है, स्नेहल ईरानी है, जोइस ईरानी है, जौहर ईरानी है। ईरानी स्किन इन्वेस्टेड इन द फार्म हुज जीएसटी प्लेस ऑफ बिजनेस इन होर। और उसी एड्रेस पर सिल्ली सोल्स गोवा कैफे एंड बार का दफ्तर है, जीएसटी का नंबर है। सिल्ली सोल्स हैज द सेम एड्रेस एज द जीएसटी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इट ऑल। जिस कंपनी में पूरी ईरानी फैमिली का इन्वेस्टमेंट है उसी कंपनी के एड्रेस पर वो बार का जीएसटी नंबर है और वही उस कंपनी का एड्रेस है। और फिर भी वो हाईकोर्ट में कह रही है कि उस कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो इतना झूठ बोला जा रहा है। सोचिए संसद में सांसद, एक ब्राह्मण सांसद निशिकांत दुबे सरयाम झूठ बोल रहा है कि किसानों ने आत्महत्या नहीं किया। ये वही सांसद हैं जिन्होंने कहा था कि मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, मुफ्त में आपको पाल रहे हैं, समझिए। अब वही यशवंत सिन्हा का बेटा जयंत सिन्हा कह रहा है कि इस देश में कोई महंगाई ही नहीं है। और स्मृति ईरानी हाईकोर्ट में कह रही हैं कि उनकी बेटी कोई कंपनी ही नहीं चलाती है, उसके बार ही नहीं है, वो रेस्टोरेंट ही नहीं है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। आप सोचिए एक और सबसे बड़ी खबर, 2G घोटाला याद है, बीजेपी का चाटुकार, बीजेपी का दलाल सीएजी उस समय का विनोद राय, उसने दो बहुजन नेताओं को जेल में डलवा दिया था, ए राजा और कनी मोरी। ए राजा उस समय टेलीकॉम मिनिस्टर थे, कनी मोरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, ए राजा डीएमके के सांसद थे और केंद्रीय मंत्री थे। सोचिए उनको जेल में डाल दिया गया था। उस समय 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी। इस बेईमान विनोद राय ने, जो अब तक माफी मांग चुका है, इस बेईमान विनोद राय ने आपको पता है क्या कहा था, सही कहा है दिलीप मंडल ने कि यह पालतू है बीजेपी का। इस बेईमान विनोद राय ने कहा था, विनोद राय कांग्रेस का पालतू था। 2G पर इसकी रिपोर्ट के आधार पर यूएसपीए सरकार ने अपने सबसे बड़े सहयोगी डीएमके के मंत्री ए राजा को जेल में डाला, जबकि हर हाथ में मोबाइल पहुंचाने की क्रांति ए राजा के नेतृत्व में हुई। 2G केस खारिज हो गया, कांग्रेस ने ए राजा से अब तक माफी नहीं मांगी। वही बीजेपी ने इसे मलाईदार पद दिए हैं। आप सोचिए, रामविलास पासवान जब टेलीकॉम मिनिस्टर बने तो घर घर में लैंडलाइन पहुंचा दिया, और ए राजा जब बने मंत्री तो उन्होंने घर घर में मोबाइल पहुंचा दिया था। और किस तरह से भ्रष्टाचार की बात कही गई थी वो खेल समझिए पूरा, तब आपको लगेगा कि इस देश में चल क्या रहा है। सोचिए 2G में, 2G का जो नीलामी हुई थी वो 1.76 लाख करोड़ का घाटा बताया गया था, यानी जितने में बिका था उससे 1,76,000 करोड़ अधिक मिलना चाहिए था। विनोद राय सीएजी के अनुसार केस चले, कनीमोई जेल रही, कुछ निकला नहीं। 5G कुल 1.5 लाख करोड़ में बिका है, इसे पर कोई आरोप, सोचिए कितनी बड़ी बेईमानी हुई थी उस समय और कितना बड़ा देश से झूठ बोला गया था। आप समझिए इस बात को कि जो सामान बिका ही नहीं
उस पर कहा गया, सोचिए 5G जो बिका है वो 2G से कम में बिका है, उस जबकि उसका प्राइस कुछ और रखा गया था। मैं आपको दिखाता हूं, आपको सोचिए, पुन परसुन वाजपेयी ने इसको ट्वीट किया है, सनद रहे 2008 में 2G घोटाले से राजस्व को 1.76 लाख करोड़ बताया गया, 2022 में 5G से राजस्व की कमाई 1.5 लाख करोड़ हुई। सोचिए 1,76,000 करोड़ का नुकसान बताया गया था, 1,50,000 करोड़ ही अभी 5G के नीलामी से हुई है, तो इसको कौन कह, सोचिए 2G से कम रेट मिला है 5G को, उसके बाद भी कोई बात नहीं, जबकि इसका बेस प्राइस कितना रखा गया था वो भी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, कि किस तरह की बेईमानी चल रही इस देश में और किस तरह से लोगों को बदनाम किया गया, किस तरह से इस देश में लगातार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी नेताओं को जेल में डाला जाता है, किस तरह से इस तरह की बेईमानी होती है, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से विनोद राय ने झूठ बोला था। सोचिए 2G से कम में बिका है 5G, उसके बाद भी वो घोटाला नहीं है, उस समय 20 करोड़ ग्राहक थे, आज लगभग 100 करोड़ से आसपास के लोग ग्राहक हैं, लेकिन उसको अब भ्रष्टाचार नहीं बताया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये टीवी अखबार जिसको भ्रष्टाचारी कहे, वो मान लीजिए कि वो आपके काम का आदमी है, वो ईमानदार है, और जिसको टीवी अखबार ईमानदार कहे वो मान लीजिए कि वो सबसे बड़ा बेईमान है। सोचिए अशोक भारती ने कहा है, टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति हो चुकी है, ग्राहक को छोड़ बाकी सबके लिए कीमतें गिर चुकी हैं, 2008 में 2G वेव्स 1.72 लाख करोड़ की बताई गई थी, 14 साल बाद उससे कहीं अधिक कीमती वेव्स केवल 1.5 लाख करोड़ में बिकी, दामों में 13% गिरावट हुआ है। तो सोचिए किस तरह से इस देश को बेईमान किया गया है, बेईमानी की रही है, और इस देश के संसद में हाईकोर्ट में बीजेपी के सांसद और मंत्री झूठ बोल रहे हैं। क्या अब भी आपको लगता है कि 2G घोटाला था और ये राजा को जेल में डाल दिया गया, कनी मोड़ी को जेल में डाल दिया गया, क्या कांग्रेस उसके लिए माफी मांगेगी जिसने उनको जेल में डाला? ये लोग बेदाग बरी हुए, इसलिए मैं कह रहा हूं SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं पर तुरंत आरोप लगा दिया जाता है, इसे सावधान रहे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।